हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत सारे एग्जाम पेपर्स में देखे होंगे फ्रेजल वर्ब्स, राइट? नो, इतने कंफ्यूज कर डालते हैं हमें कि बहुत बार जो भी सेंटेंस रहते हैं जिसमें भी फ्रेजल वर्ब बने होते हैं, वे सेंटेंस बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते और उनके आंसर्स रॉन्ग आ जाते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, उनको तो हम सॉल्व करने वाले ही है, लेकिन उनके साथ साथ चलते चलते ये भी बात करेंगे आज कि एग्जैक्टली हाउ टू पिकअप द एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब टू गिव द राइट आंसर। ओके, चलो पहले सेंटेंसेस देखेंगे, फिर कुछ आपको आइडियाज बताता हूँ। अच्छी बात है ना, काम की। चलो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, शी इज डॉट डॉट द बैंक फॉर हर हायर स्टडीज। शी इज डॉट डॉट द बैंक फॉर हर हायर स्टडीज। ओके, कुछ तो बैंक का मामला चल रहा है ना, लेकिन प्रॉब्लम तो तब होने लगा जब हर एक ऑप्शन में बैंक आ गई वापिस। Getting? तो अब यहाँ पे जंपिंग पॉइंट हो रहा है कि पहले ही बैंक दे दिया, अभी वापिस इतने सारे बार बैंक कैसे दे देंगे और बैंक के सामने बैंक कैसे आएगा, इसे? लेकिन दोस्तों यही पे प्रॉब्लम होती है, क्या कि जो फ्रेजेस होती है, जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वे अकेले से नहीं बनते, फ्रेज बनते। फ्रेज का मतलब ही क्या है? ग्रुप। ओके, दो वर्ड्स ना, तीन वर्ड्स इकट्ठा आके वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा, तो उसमें एक वर्ब भी आ जाएगा। तो बैंक ये जो है वर्ड, ये यहां पर वर्ब है। तो बैंक अब क्या होता है, पहले ये समझ लो, ठीक है? तो किसी चीज को एक और एक और एक और एक और एक ऐड करते जाओ, उसका हिट बना डालो, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, एडिशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दैट्स इट, दैट इज बैंकिंग अप। ओके, तो सेंटेंस को उसको सूट करके देखना है हमें, क्या वो सूट हो रहा है क्या? जैसे शी इज बैंकिंग अप द बैंक, ठीक है? तो कौन सी चीज को ऐड अप कर रही है, कौन सी चीज का सम अप बनाने जा रही है? वो तो कुछ दिया नहीं है, शी इज बैंकिंग अप द बैंक, क्या बैंक को बैंक अप करेगी? नहीं कर सकेगी ना, बैंक को कैसे बैंक अप करेगी अगेन अगेन डालकर, है ना? इसलिए ये ऑप्शन नहीं चलेगा। तो लॉजिक कैसे लगा दे, ये ठीक से समझ लो। बैंकिंग ऑफ के बारे में सोचो, ठीक है? तो बैंक का अब यहाँ पे देखो, ठीक से समझ लो, नदी के जो किनारे रहते हैं ना, तो उनको भी बैंक्स बोलते हैं, इज इट? दिस फेमस सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस एंड दिस रिवर, आपने सुना होगा, कहीं भी पढ़ा होगा बचपन में, है ना? तो वो भी है। तो बैंक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि किनारे एक दूसरे से हमेशा अलग रहते हैं, उसी तरह से बैंक ऑफ हो जाना, अलग हो जाना, कभी भी इकट्ठा नहीं आना, देयरफॉर बैंकिंग ऑफ इज ऑल्सो गॉन, ठीक है? अब क्या बचा, बैंकिंग ऑन और बैंकिंग अवे। तो अवे नाम में क्या लिखा है, अवे कहीं दूर चले जाना, है ना? बाजू को रख देना, साइड असाइड है, तो वो बाजू को थोड़ी ना करें। बैंकिंग अवे द बैंक मतलब क्या, उसकी हायर पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए वो बैंक को बाजू कर देगी क्या? नहीं, उसको तो बैंक चाहिए, तो बाजू को करेगी वो, इसलिए बैंकिंग अवे एज ऑल्सो गॉन अप। बच्चा यही तो, इसी को तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? अब अगर वो बात अगर समझ में आ गई तो अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैसे? बैंक ऑन, टू बैंक ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन। अब देखो इसमें मजा क्या है, बैंक का सेंटेंस दिया हुआ है, बैंक का आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन इस बैंक से कोई ताल्लुक है, कोई भी संबंध नहीं है। जो बैंक ऑन मतलब रिलाय, डिपेंड, किसी के ऊपर निर्भर रहना, तो उसको हायर स्टडी के लिए बैंक के ऊपर निर्भर करना हो रहा है ना उसका, तो वही तो फिर बैंक ऑन है। तो इस तरह से लॉजिक लगाते लगाते आगे जाने का आइडिया हमें यहाँ पे आना चाहिए। एक बहुत ही जरूरी बात आपको ये सेंटेंस से दिमाग में आनी चाहिए, कौन सी? कि ये सभी वर्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे प्रेपोजिशंस ऐड कर दिए तो उनका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब फ्रेजल वर्ब को ऐड करते समय, मतलब चूज करते समय, उससे आपका ध्यान जो पहले वर्ब दिया है उसकी तरफ नहीं होना चाहिए, उसके बाजू में प्रेपोजिशन कौन सा दिया हुआ है उसकी तरफ होनी चाहिए, और वो प्रेपोजिशन को सेपरेट करके फिर उसका मीनिंग ढूंढा जा सकता है। चलो आगे वाला सेकंड सेंटेंस भी पढ़ लेंगे तो जरा समझ में आ जाएगी बात। क्या कहते हैं सेंटेंस, मॉडर्न रिसर्चेस डॉट डॉट दैट योगा कैन क्योर द डिजीज। अभी मॉडर्न वाले जो रिसर्च है, आजकल जितने भी रिसर्च चल रहे हैं, उनमें से किसी रिसर्चर्स ने क्या कर दिया, उन्होंने कोई सिद्धांत को आगे लाया होगा, उन्होंने बोला कि अगर योगा क्या करते हैं, योगा से भी हम किसी डिसीज को दूर कर सकते हैं,
yoga is very really, very important to keep our mental and physical health also. We have noticed it out. So yahan par bhi diye hue options, bear off, bear up, bear down or bear out. अब प्रॉब्लम हमारी ये चल रही है कि एग्जैक्टली क्या कर लेंगे इसमें से, है ना? तो पहले तो बैर का तो मतलब समझ ले, हमारा हिंदी में बैर है, बहुत सारे बेरी के भी बैर होंगे, लेकिन उनमें से वहां पे कुछ नहीं है, उसका मीनिंग कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है? देखो क्या है, पहले तो बैर ऑफ, बैर ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सह लेना, सफर कर लेना। हमारे ऊपर किसी चीज, अगर कोई चीज आ रही है तो हम कहते हैं ना, मैं इसको बैर ऑफ कर लूंगा, ठीक है? किसी चीज को सफर कर लेना, बेयर ऑफ कर लेना, ये है। अब देखो मॉडर्न साइंस क्यों बेयर ऑफ करेगा, क्यों सफर करेगा, क्यों क्यों टॉलरेट करेगा किसे, योगा को? देयरफॉर दिस ऑप्शन कैन नॉट वर्क आउट हियर। बेयर ऑफ का मतलब होता है सस्टेन करना किसी चीज में, ठीक है? किसी चीज में भी कोलैप्स ना हो जाना। तो क्या कह रहे हैं मॉडर्न रिसर्चेस, बेयर ऑफ का मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न रिसर्च जो है वो खुद सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि मॉडर्न रिसर्चेस तो सस्टेन है ही है, उनको और सस्टेन करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? बच गए दो ऑप्शन, अब एक है बैक डाउन और एक है बैक अप। तो दोस्तों ठीक से हमेशा ध्यान रहे इस बात का, आप कम से कम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके रिमेनिंग दो ऑप्शंस की तरफ जाने का आपका रास्ता आपको दिखना चाहिए कि कहीं से दो कौन से बच गए, है ना? आपने केबीसी में देखा होगा ना, कभी कभी दो लाइफलाइन ले लेते हैं 50-50, तो दोनों को हटा देते हैं। उसी तरह से करना है मैंने, आपका दोनों को किसी को एलिमिनेट करो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक्स, ओके? किसी भी दो ऑप्शन को कम से कम हटाओ तो बचे हुए दो ऑप्शन से आप उसको ठीक से निकाल पाओगे। अब चलो यहाँ पे बच गए बैक डाउन और बेयर आउट। तो बेयर डाउन का मतलब होता है बर्डन, लोड किसी चीज का। तो आगे वही चीज होगी, मॉडर्न रिसर्चर्स क्यों बेयर डाउन करेंगे, क्यों किसी चीज का लोड लेंगे, किसी चीज का बर्डन वो खुद अपने सर पर क्यों लेंगे, है ना? देयरफॉर दे बेयर डाउन ये भी नहीं चलेगा। अभी बेयर आउट बच गया, इसको तो आप उसका मीनिंग पता भी नहीं है आपको, तो भी आपको चूज करना पड़ रहा है क्योंकि ये तो नहीं सूट हो रहा है, है ना? तो जज क्यों नहीं रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये अगर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे ये भी पता चल जाएगा। तो बेयर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना किसी चीज को, ठीक है? सपोर्ट एनीथिंग दैट, ये तो कंफर्मेशन आ गया। फिर मॉडर्न रिसर्चेस कंफर्म दैट, है ना? सपोर्ट दैट, ये सूट कर रहा है, यस दिस इज गोइंग टू बी। सो बेयर आउट शुड बी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बुक, व्हाट आई एम सेइंग अबाउट। चलो तीसरा भी देखेंगे, तीसरा क्या है? The police were called into dot dot the rioters. Riot क्या है? राड़ा ना? तो राड़ा हो गया, बहुत सारे लोग आ गए, राइट हो गया, दंगा फसाद हो गया, बहुत मारामारी का प्लान चल रहा है। पुलिस को बुलाया गया वहां पर, तो क्यों बुलाया गया है उसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से एक कोई तो भी चूज करना है हमें। लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट। पहला क्या दिया हुआ है? ब्रेकअप। अरे बाप रे, ब्रेकअप, उसके साथ ज्यादा बात मत कर, उसका ब्रेकअप हुआ है तो जिसका ब्रेकअप हुआ है उसको ये क्या सूट होगा उसका काम? नहीं दोस्तों। तो फिर पुलिस के वहां पे किसी दोनों लोगों को ब्रेकअप करने के लिए आ रही है? नहीं आएगी ना, वो तो काम उनका है नहीं, ठीक है? तो फिर ब्रेकअप भी नहीं आएगा। आगे चलो ब्रोकअप, ये तो एकदम देखते देखते पता चल जाना चाहिए कि अरे यहाँ पे टू आया हुआ है, टू के बाद में ब्रोकअप का पहला फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ब्रोक तो सेकेंड फॉर्म है, तो फिर ब्रोक नहीं आ सकता है ना। तो कितने आसानी से दोनों को एलिमिनेट कर दिया, दो ही बच गए कि नहीं? अभी जब भी दो बचेंगे ना, एटलीस्ट यू कैन फाइट देयर कि अरे दो में से एक को तो मैं निकाल ही लूंगा। देखो अभी क्या बच गया, एक रहा ब्रेक डाउन और दूसरा क्या रहा? ब्रेक अवे, ठीक है? तो थोड़ा सा स्टडी की जरूरत है। अवे से क्या हो रहा है, ऐसे हमें लग रहा है कि सबको निकाल देंगे, सबको बाहर भगा देंगे ना, लेकिन वैसे नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक डाउन जो है वो किसी भी आंदोलन को सप्रेस करने के लिए, किसी भी रायट को, दंगे को शांत करने के लिए जो भी एक्शन होती है पुलिस की, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन दैट, कोलैप्स दैट सिचुएशन, ठीक है? ब्रेक डाउन दैट सिचुएशन, कीप इन कंट्रोल दैट सिचुएशन। ब्रेक डाउन इज द राइट ऑप्शन फॉर दैट, एंड ब्रेकिंग अवे इट ऑल विल नॉट बी कैरिंग आउट एनी सेंस फॉर दिस। तो इस तरह से हमें थोड़ा भी अगर जानकारी है आपको
तो आप जल्दी से उसकी तरफ जा सकते हो। ये फोर वाला सेंटेंस क्या कह रहे हैं देखो, मेनी पीपल डॉट डॉट टू गॉड रादर देन टू थैंक हिम। तो बहुत सारे लोग भगवान को डॉट डॉट रादर देन टू थैंक हिम, मतलब सेंटेंस को कहना ये है कि आपको भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, व्हाट एवर सिचुएशन यू हैव गिवन देयर, ओके जो भी है ना, ऑल इज वेल। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, फिर कॉल एट कॉल अपॉन कॉल अप एंड कॉल बैक, मतलब क्या बोल रहे कि सेंटेंस का रूप इस तरफ दिख रहा है कि लोग भगवान को बुलाते हैं ना, तो बुलाने के लिए चार रास्ते उन्होंने दे दिए भगवान को बुलाने के, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान ही हमें ऊपर बुला ले। तो क्या होगा, कॉल एट, हमें देखना है इनमें से राइट कौन सा वर्ड होगा, यानी तो इनके मीनिंग क्या है, यही पर तो फाइट है पूरा। चलो उल्टी तरफ से आएंगे, कॉल बैक का मीनिंग तो पता है ना हमें, कॉल बैक करना, यार जरा रुक 5 मिनट में जरा बिजी हूं मैं तुझे कॉल बैक करता करती हूँ, राइट। तो फिर कॉल बैक थोड़ी ना करना है भगवान को, कि चलो भगवान बुला रहे हो कि हमें तो वो कॉल बैक करता हूँ, ऐसे नहीं ना, देयरफॉर दिस इज गॉन, राइट। ये जो कॉल अप है, आपने ये भी सुना होगा कभी मुझे कंपनी का कॉल अप लेटर आया हुआ है, यानी जब नोटिसेस आती है, ऑर्डर्स आती है, तब उसे कहते हैं कॉल अप्स, जो भी समन्स वगैरह आते हैं कोर्ट्स के वगैरह, वो भी कॉल अप्स होते हैं। तो फिर के भगवान को समन्स लिखोगे, नहीं लिख सकोगे ना, तो कॉल अप, ये भी पॉइंट वहां से खत्म हो गया। अब बच गई ये दोनों, कॉल अपॉन और कॉल एट, ठीक है। तो देखो ठीक से, मेनी पीपल कॉल एट टू गॉड एंड मेनी पीपल कॉल अपॉन टू गॉड, थोड़ा सा तो आप भी नजदीक जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो जितना मुझे पता है आपको भी पता होगा शायद 100% बिकॉज यू आर वेरी स्टूडियस गाइस, कॉल एट कब होता है पता है, जब कोई ट्रेन अराइव कर रही है, ठीक है, किसी दूसरे स्टेशन से आ रही है और किसी जंक्शन पर आके रुकेगी वो, इट्स टेकिंग होल्ड एट एनी स्टेशन देयर और एनी जंक्शन, तो वहां पे कहते हैं कॉल एट। हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी ट्रेन के किसी दूर से आने वाली ट्रेन किसी जंक्शन पे अगर रुक जाएगी, रुकेगी वो, हॉल करेगी, रुकेगी, तो कॉल एट कहते हैं। तो भगवान भी कहीं आके रुकने वाले नहीं है कि चलो बेटा तैयारी शुरू करो, मैं बाजूरे पड़ोसी की यहाँ पे रुका हुआ हूँ रात भर के लिए, सवेरे आपको मिल जाऊंगा, ऐसे तो कुछ कहेंगे नहीं भगवान जी। तो देयरफॉर इट इज आल्सो गॉन अप, बस क्या किया, कॉल अपॉन, एंड दैट वुड बी द राइट ऑप्शन फ्रॉम आवर ओन साइड। चलो ये इसको भी देख लेंगे लास्ट वाले को, क्या बोल रहे सेंटेंस ये, आई वॉज डॉट डॉट व्हेन टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। अरे वाह, ये तो अच्छा है, स्टूडियस है, आपके जैसे ही है, बहुत स्टडी किया उसने और टॉप भी कर दिया, मेरिट लिस्ट में भी आ गया। मेरिट लिस्ट में आने के बाद में क्या हुआ, ये चार चीजें हुई, क्या जैसे उसे पता चला कि वाओ मैंने मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर आ गया, तो क्या हो गया, तो फिर चार चीजें हो गई, एक तो टेकन ऑफ, टेकन अवे, टेकन ऑन और टेकन अबैक, चारों में से एक को आपको चूज करना है। आप ये भी काम कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तो सुन ही रहे हो उसे, तो भी आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप गेस कर सकते हो कि चारों में से एग्जैक्टली विच ऑप्शन खेल भी तो रहेगा ऑप्शन है, राइट ना। चलो देखेंगे टेकन ऑफ की तरफ आओगे, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको टेकन ऑफ में, आपने कभी एरोप्लेन के बारे में सुना होगा ना, क्या करता है, टेक ऑफ करता है एरोप्लेन, राइट, उड़ जाता है, फ्लाई करता है ना। तो क्या ये बंदा जो मेरिट लिस्ट में आ गया, टॉप कर दिया, तो क्या उड़ गया क्या, फिर कैसे उड़ेगा, उसको पंख थोड़ी ना आगे की चल गया ऊपर, लेकिन ना नहीं हो गया उसे, तो टेकन ऑफ नहीं आएगा, बिकॉज ही इज नॉट एरोप्लेन टू फ्लाई, राइट। तो आप में से कितने लोग बैठे हो एरोप्लेन में, जल्दी बैठोगे, ये एग्जाम से क्रैक करो, बहुत अर्ली बन जाओ, चले जाओ आगे, चलो अभी टेकन अवे है, अरे अरे तो टेक अवे, ये तो बहुत आसान है ना, टेक अवे मतलब ले जाना किसी चीज को। अब ये जो बंदा मेरिट में आ गया फर्स्ट पे, उसको कोई ले जाएगा, आई वॉज टेकन अवे, क्योंकि चलो तू पहला रैंक आ गया तेरा, क्या चल इसको उठा ले, चल इसको ले जाएंगे गेट पे, अगर ऐसे होता तो कोई पढ़ाई नहीं करता, तो टेकन अवे भी क्यों रहेगा भैया, बच गया अभी दोनों ही, है ना। वापिस यहाँ पे फाइट का भी चल रहा है, ऑन और बैक को, राइट। तो टेक ऑन मतलब एक्सेप्ट, स्वीकार करना सीख किसी चीज का, ठीक है, तो टेक ऑन मतलब एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे डिसाइड करके देखेंगे, आई वाज टेकिंग ऑन मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई क्या उसको कुछ, अरे नहीं, पहले उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तब तो उसका रैंक आया ना, फर्स्ट ही took the responsibility, फर्स्ट ही accepted that role, and then he became the topper there, right?
तो फिर उसके बाद में फिर उसे क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी? अब तो उसको अभी तो रिजल्ट आया है ना, तो फिर टेकन ऑल नहीं दिया जाएगा वहां पे, कुछ नहीं है ये, दिस इज टोटली रॉन्ग। रहा क्या टेकन अबैक, टू टेक अबैक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये यहाँ पे बहुत काम करेगा, पता हो ना हो, लेकिन यही तो ऑप्शन है। लेकिन टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज, वंडर, शॉक, एस्टोनिश्ड, अमेज, है ना, वाह वाली सिचुएशन। यार क्या बात है यार, मैं टॉप कर गया है ना, मुझे तो ऐसे लगा ही नहीं था यार, मुझे लगा था खाली पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो सबसे अव्वल आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना। तो देखो दोस्तों, इतने सारे सेंटेंसेस से हमने थोड़ा सा लॉजिक यूज किया, थोड़ा ब्रेन यूज किया, और फिर वहां तक पहुंचे, राइट। तो इस तरह से हम फ्रेजल वर्ब्स के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन चले हाथ, मैं आपको कुछ आइडियाज भी बता के रखता हूँ, ताकि आप उसकी ठीक से पढ़ाई कर सको। नंबर एक, आप उन सबको किस तरह से डील करते हो कि ये पहले वाला वर्ड देखते हो और फिर वहां पे खेलते बैठते हो, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, उसके बाद में जो भी प्रीपोजिशन से अभी दिख रहे हैं ना, उनके साथ खेलो। मतलब जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पे किसी एक वर्ब को अलग अलग प्रीपोजिशन लगाकर उन प्रीपोजिशन के साथ खेलो कि जब मैंने ये प्रीपोजिशन ऐड किया था तो ये मीनिंग निकला था। हर बार अलग अलग प्रीपोजिशन से अलग अलग मीनिंग निकलेगा। तो प्रीपोजिशंस के साथ ग्रुप करो, वर्ब्स के साथ ग्रुप ना करें, नंबर वन। सेकेंड थिंग, किसी स्टोरी में उनको लगा के पढ़ो, जो भी वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, जो भी है, उनको स्टोरी में यूज करो, उनके कॉन्टेक्स्टुअल मीनिंग को देखो कि कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, मतलब सेंटेंस में उसको सूट करेंगे कि नहीं करेगा वो। अगर वो सूट कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं तो भी उसको जज कर रहा है ना, कहीं तो भी उसको सेट हो रहा है उसमें, तो इस तरह से भी उसको देखना चाहिए। और सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में पहले से उनको यूज करके देखो। हम बहुत बार क्या करते हैं ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसे रट्टा मार मार के लर्न करके रखेंगे, ऐसे मत करो। इन सब फ्रेजल वर्ब के सेंटेंसेस बनाओ, किसी बुक्स में लिखे होंगे उनको ही मत रट्टा मारो, आप अपने खुद के बनाओ, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये फ्रेजल वर्ब ऐसे वाले सेंटेंस में सूट होता है। तो इन कुछ आइडियाज के साथ, और एक चीज कर सकते हो, उसके अपोजिट वालों को ढूंढो, ठीक है। जैसे कि टर्न ऑन देख लिया आपने, तो तुरंत उसके साथ उसका ऑपोजिट क्या है, टर्न ऑफ है ना, तो फिर ऑन के बाद में तुरंत ऑफ भी देख लो। तो इस तरह से लिस्ट बना लो ठीक से और फ्रेजल वर्ब की तैयारी करो। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम भी थोड़े थोड़े सॉल्व होने की मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, जस्ट प्रेस द बटन ऑफ सब्सक्रिप्शन देयर और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स देयर, ओके। तो चलो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। बाय बाय।